हेलो स्टूडेंट्स, हम सब जानेंगे कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे SSC, RBI असिस्टेंट, IBPSO, RRB, CTET, टेट बेड, SCRA, UPSC में हिंदी व्याकरण से पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। प्रश्न 21, कोई विशेषण है? आपका जवाब है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 22, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? आपका जवाब है वर्तमान काल। प्रश्न 23, नाक कौन सा लिंग है? आपका जवाब है स्त्रीलिंग। प्रश्न 24, समास कितने प्रकार के होते हैं? आपका जवाब है 6। प्रश्न 25, नवयुवक कौन सा समास है? आपका जवाब है कर्मधारय। प्रश्न 26, प्रतिदिन कौन सा समास है? आपका जवाब है अव्ययी भाव। प्रश्न 27, देशभक्ति कौन सा समास है? आपका जवाब है तत्पुरुष। प्रश्न 28, नीलकंठ कौन सा समास है? आपका जवाब है बहुव्रीही। प्रश्न 29, पाप पुण्य कौन सा समास है? आपका जवाब है द्वंद्व। प्रश्न 30, दोपहर कौन सा समास है? आपका जवाब है द्विगु समास। प्रश्न 31, मैं आज नहीं पाऊंगा कौन सा वाक्य है? आपका जवाब है निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 32, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? आपका जवाब है विस्मयवाचक वाक्य। प्रश्न 33, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? आपका जवाब है संकेतवाचक वाक्य। प्रश्न 34, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? आपका जवाब है इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 34, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? आपका जवाब है इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 35, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? आपका जवाब है करण तत्पुरुष। प्रश्न आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इस पोस्ट को आगे से आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और यह प्रश्न आपके जीके ज्ञान को बढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।